जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपाय के बारे में जानकारी देते हैं। आइए आज देखते हैं घर में गृह प्रवेश के कुछ नियम वास्तु अनुसार। दोस्तों, घर के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है, इसीलिए उस घर में प्रवेश करने से पहले, उसे अपना निवास स्थान बनाने से पहले ये आवश्यक है कि उसमें गृह प्रवेश की पूरी विधि विधान के साथ कैसे पूजा अर्चना की जाए, कैसे उस घर की वास्तु शांति पूजन किया जाए। अगर हम पूरे विधि विधान के साथ वास्तु पूजन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति, सुख का, खुशहाली का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान के कृपा के बिना हमें कुछ हासिल नहीं होता है, इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपने देवी देवताओं का अपने घर में आह्वान करना चाहिए और उनका आभार प्रकट कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने नए घर में गृह प्रवेश करने से पहले आप श्री गणेश जी का जलाभिषेक कर उनको लड्डू या मोदक का भोग चढ़ा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बाद अपने कुल देवी देवताओं का और वास्तु पुरुष का आप पूजा अर्चना कर उनका आह्वान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गृह प्रवेश करते समय ये ध्यान रखें कि सूर्य इन राशियों में स्थित हो, जैसे मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर या कुंभ। इसके अलावा गृह प्रवेश हमेशा हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के अंदर करना चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष में आप गृह प्रवेश करते हैं तो इससे आपके घर में चोरी डकैती का डर बना रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। गृह प्रवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त और शुभ महीना है बैसाख, श्रावण, कार्तिक और फाल्गुन। इसके अलावा बाकी 7 महीने नए घर में प्रवेश करने के लिए उतने मंगलकारी नहीं माने गए हैं। यदि दिनों की बात करें तो शुक्ल पक्ष के 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 और 15 गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम मानी गई है। अमावस्या के दिन गृह प्रवेश करने की भूल कदापि ना करें, अन्यथा यह आपके लिए विपरीत परिस्थितियां और अमंगल कारक साबित हो सकता है। सप्ताह के अनुसार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को गृह प्रवेश करना अच्छा माना गया है। गृह प्रवेश पूजन आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में करने से आपको सुखदायी एवं धन समृद्धि जीवन प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आपके घर के ब्रह्म स्थान में भी आप गृह प्रवेश पूजन करते हैं तो ये भी शुभ माना गया है। यदि आपको तिथियों और दिनों के बारे में नहीं समझ में आ रहा हो तो किसी ब्राह्मण या पुजारी से आप निश्चित ही विचार विमर्श कर अपने घर का गृह प्रवेश पूजन करें। मित्रों, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको गृह प्रवेश पूजन करने से पहले सभी देवी देवताओं का आभार मानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका पंचामृत अभिषेक करें, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाए और गुड़ चने का प्रसाद अर्पण करें
उसके बाद आप किसी गरीब भूखे व्यक्ति को अन्न दान करें। इसके बाद आप अपने घर का गृह प्रवेश पूजन शुरू करें। ऐसा करने पर आपको वास्तु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति की कभी कमी नहीं पड़ेगी। हमेशा आप आपका परिवार खुशहाल जीवन जिएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।